जब भी इंडियन क्रिकेट के बिगेस्ट कमबैक की बात की जाएगी तो दिनेश कार्तिक का नाम जरूर लिया जाएगा। और सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों से भी लड़ाई की और जीत हासिल की है। अभी हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें इंडियन क्रिकेट टीम में वो शामिल थे। उनके संघर्ष की कहानी उन सभी के लिए एक मिसाल है जो जीवन में आई कठिनाइयों से हार मान रहे हैं। रांझना फिल्म का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि लड़की और रॉकेट इंसान को कहीं भी ले जा सकता है। जहां एक तरफ इनकी पहली पत्नी निकिता के इनके तमिलनाडु टीम के साथी खिलाड़ी मुरली विजय से अफेयर ने इन्हें बुरी तरह तोड़ दिया था, वहीं दूसरी तरफ इन्हें संभाला दीपिका पल्लिकल ने, जिन्होंने कार्तिक को डिप्रेशन के उस दौर से बाहर निकाला। दीपिका ने कार्तिक के अंदर वो आत्मविश्वास भरा जिसकी बदौलत उन्होंने पहले तमिलनाडु की टीम और फिर इंडियन क्रिकेट टीम में वापसी की। दिनेश कार्तिक और दीपिका की मुलाकात 2013 में हुई थी और उस वक्त वो डिप्रेशन से जूझ रहे थे। दीपिका ने कार्तिक को सहारा दिया और उनको फिर से क्रिकेट पे ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित किया। दो साल तक चले अफेयर के बाद अगस्त 2015 में दोनों ने शादी कर ली। दीपिका क्रिश्चियन है जबकि दिनेश हिंदू है, इसलिए दोनों ही धर्मों के रीति रिवाजों से उनकी दो बार शादी हुई। दोनों ने 18 अगस्त 2015 को पहले क्रिश्चियन रीति रिवाज और फिर 20 अगस्त को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी की। इसके बाद से ही दिनेश कार्तिक के खेल में गजब का बदलाव देखने 28 अक्टूबर 2021 को दीपिका पल्लिकल और दिनेश कार्तिक को जुड़वा बच्चे हुए। दिनेश और दीपिका ने अपने दोनों बेटे का नाम कबीर पल्लिकल कार्तिक और जियान पल्लिकल कार्तिक रखा है। और आप सभी को निदास ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला याद होगा जिसमें कार्तिक ने अहम मौके पर संभव से लक्ष्य को हासिल करके मैच को अपनी लास्ट गेंद पे छक्का लगाया। IPL 22 में भी कार्तिक ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से खेलते हुए अपनी तूफानी बल्लेबाजी से सबको प्रभावित किया। और IPL के सीजन में दिनेश कार्तिक ने जिस तरह से बल्लेबाजी की उसके सभी घायल हो गए और जिसकी बदौलत T20 वर्ल्ड कप की टीम में उनको चुन लिया गया। दिनेश कार्तिक की जिंदगी उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो मुश्किलों से घबरा के हार मान लेते हैं। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। इस कहावत को अपने जीवन में चरितार्थ कर दिखाया है दिनेश कार्तिक ने। तो मैं दर्शन आप सभी से बस इतना कहना चाहूंगा कि अपनी लाइफ में आए चैलेंजेस से घबराओ मत, बल्कि डट के उनका सामना करो, उन पर जीत पाओ एंड मेक द रेस्ट ऑफ योर लाइफ द बेस्ट ऑफ योर लाइफ।